हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। दोस्तों, आज की अपडेट आपको थंबनेल में दिख रही होगी, बताना कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। कुछ हमारे जो बड़े सर लोग हैं, या फिर हम अपने बड़े भाई कह सकते हैं, वो लोग बार बार कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि भैया अगर आपको पता चले तो बताइएगा। तो ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग अगर नहीं जानते हो या फिर जानते हो तो भी आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको दिखाते हैं कहां से आप कैसे डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती ही रहती है, हर हाल में आपको पहले अपडेट मिलेगी। PhD भी हैं, जहाँ जहाँ की अपडेट हम देते हैं वहाँ की सारी अपडेट मैं रखता हूँ। तो बढ़ते हैं, डेट कौन 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 सी थी उसको आप देख लीजिए। तो डेट आप लोगों को तो पता ही होगा, PhD का जो एग्ज़ाम है 2020-21 का ये हो रहा है, वो जो है 21-8-2021 तथा 23-8-2021 एवं 24-8-2021, 25-8-2021 और 26 तथा 28 और 29 इन्हीं डेट पे होना है। और इस पे जो है एडमिट कार्ड की अपडेट आ चुकी है, आप फटाफट इसको देख लीजिए और जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेते हैं। AMU controller exam.com, यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन पे दिख रहा होगा, ये आज की अभी की अपडेट है। यहाँ पे फीचर्ड सेक्शन पे आपको ये दिख रहा है, डाउनलोड फॉर PhD 2020-21 एडमिट कार्ड। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिट कार्ड सेक्शन। ये एडमिट कार्ड सेक्शन जो है ये PhD एडमिशन टेस्ट सेशन 2020-21 फाइनल एडमिट कार्ड। आप लोग यहां पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, PhD लॉ है, जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंटर एप्लीकेशन नंबर डालिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट हम आपको दिखाए हैं और यहीं पे ये अपडेट है, आप लोग फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इस छोटे से अपडेट के लिए हम बराबर निगाह बनाए रखते हैं। तो जैसे ही और कुछ अपडेट आती है आपको कमेंट सेक्शन में आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं, बेशक आपको हमेशा सबसे पहले जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद।